किसानों की कर्ज माफी की मांग और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में 30 मार्च को राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। मीडिया से बात करते हुए हिंडोली विधायक और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ की मांग को लेकर सातों संभागों के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान सरकार के इशारे पर पुलिस दमनात्मक कार्रवाई की है, और लेकिन युवा कार्यकर्ता इस तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही सरकार के खिलाफ झुकने और हार मानने के वाला नहीं है। आपको ज्ञात है कि पिछले 2-3 साल से कभी बहुत सारी, मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर का कनेक्शन ही नहीं, विद्यार्थी मित्र परेशान है, टेम्पररी जो मुफ्त दवाई योजना में लगे हुए थे उनको निकाला था वो परेशान है, महारानी जी ने जब अपना बीजेपी का मैनिफेस्टो घोषित किया था कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे और आज अचानक से वो कहते थे कि हमने 11-12 लाख नौकरियां दे दी, तो मैं समझता हूँ कि 11 लाख में से अगर 50,000 भी वो यहाँ पर बता दे, क्योंकि आम आदमी, आम युवा सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानता है, प्राइवेट तो वो नहीं देंगे तो भी आदमी अपना काम करता है, हर आदमी कोई भूखा मरता नहीं है, सब कुछ